यूपी बोर्ड के 10th के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के महर्षि दयानंद स्कूल में मौजूद हैं, जहां के स्कूल टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? विकास। कितने परसेंटेज? भैया पीछे 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 पीछे। आप ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स? मैथमेटिक्स क्या करते हैं आप? आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे पापा बेलदारी बजाते हैं, और अभी भी मैंने फ़ोन किया तो शुरू ही है पापा ही बेलदारी बजा रहे हैं, तो मैं अभी अकेले ही आया हूँ। इसके अलावा आप जो अभी सक्सेस पाई है उसके पीछे उसको आप उसका सारा मेरी सफलता मेरे माँ बाप हैं मेरे साथ दिया, और सेकंड नंबर पे जो मेरे स्कूल वाले हैं जिन्होंने मैं रात को भी फ़ोन करता था, सारे डाउट क्लियर हो गए थे, और ऑनलाइन क्लास में बहुत साथ दिया मेरा, और ऑफलाइन में भी बहुत साथ दिया, एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई थी। एक साल कोरोना रहा, तो उस कोरोना के भाई पीछे करो यार, पहले तो ऑनलाइन क्लास चलती थी, और हमारे स्कूल का भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हमारे सर ने बहुत मदद करी, और जो भी गूगल से अन्य प्लेटफॉर्म से इन सब से पढ़ाई करी, और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। तो ये हमारे साथ जो है वो स्कूल के डॉक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर और भी अपने रिजल्ट देखने के लिए जो छात्र जो है वो पहुँचे हुए हैं, पीछे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं कि वो अपने रोल नंबर के जरिए अपने और तमाम चीज़ों की वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैडम आप लोगों के स्कूल ने परफॉर्म किया है 100% रिजल्ट, कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाना बड़ा चैलेंज था, और रिजल्ट उस्मान के बाद फर्स्ट सिलेक्शन पहले तो बहुत खुशी है इतने अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन ये रिजल्ट हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण और हम खुद भी डरे हुए क्योंकि जो अपना करना चाहते थे हमने कोविड में उससे बहुत ज़्यादा प्रयास टीचर्स ने भी और बच्चों ने, फिर भी कहीं ना कहीं ये था एक दो परीक्षाएं एक महीना पहले रिपोर्ट हो गई और हमें लगा कि कुछ समय कम है, लेकिन कोविड के दौरान स्कूल ने भी और बच्चों ने भी लगातार, और महर्षि संभवतः ऐसा पहला स्कूल है जिसने बच्चों की कॉपीज के वैल्यूएशन वर्क को भी बहुत महत्व दिया। जब भी लॉकडाउन में छूट मिली हमने गेट के पास छोटे छोटे बॉक्स रखे थे, बच्चे उसमें अपना काम करके कॉपी रख जाते थे, तो निरंतर मूल्यांकन, बच्चों पर वॉच और बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत रख लाई। आपके जो स्कूल के ऐसे में जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी लेकिन ना से बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे, फिर इनको हमारे पढ़ना सीखना मुश्किल नहीं था। कुछ बच्चों के लिए तो स्मार्टफोन की सुविधा प्रबंध समिति द्वारा भी की गई, बच्चे ऐसे थे, और कुछ में जब कोरोना में छूट थी तो हमने बच्चों का पूल बनवा दिया, जैसे कोई बच्चा गरीब है उस पर फ़ोन नहीं है लेकिन उसके घर के आसपास कोई बच्चे रह रहे हैं जिसके पास फ़ोन है, तो ऐसे बच्चे 5-7 एक जगह इकट्ठे होकर ऑनलाइन पढ़ रहे थे, और साथ ही साथ अपने नोट्स की व्यवस्था रखी, बच्चे आते थे और नोट्स लेकर जाते थे और उन पर काम करके फिर दिखाते, तो पूल बनाकर भी पढ़ाया। ये रहे हमारे साथ महर्षि दयानंद स्कूल के प्रिंसिपल। दरअसल महर्षि दयानंद वो स्कूल है जो बीजेपी की सरकार में मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री बालेश्वर त्यागी की अवधि का स्कूल, और हर साल बेहतर रिजल्ट देता है, हालांकि अभी 100% रिजल्ट रहा है, लेकिन टॉपर का टॉपर एक कामगार एक बेलदार का बेटा टॉपर बना है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। कैमरा मैन सत्येंद्र के साथ समाचार का।